वाली मशीन से गंजा कर देते हैं, बाल काट दिए सारे। अम्मी ने मुझे गंजा कर दिया। तुम तो मिर्च लगवाने वाली हो। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो भाई लोग स्टार्ट करते हैं नाश्ते से। तो यहाँ पर मेरा आ चुका बहुत ही सस्ता नाश्ता, और ये देखो यहाँ पर कप के साथ एक तो वाइट और ओ हो चुका मेरा पपड़े। भाई ये चूड़ी जी अम्मी की चूड़ी थी, ये पूरी की पूरी टूट गई है। अम्मी ने मेरे अंदर लगाई है बहुत ही बुरी मार, और रिहान के ब्लॉग में पता लगेगा कि चैनल पे जाओ, रिहान ब्लॉग जाओ, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। कितने यार करने सब्सक्राइबर? 50,000 सब्सक्राइबर कर दो भाई। देख लेना अम्मी ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, तो इसके ब्लॉग में सब पता लगेगी। हमारे आए भाई एक सब्सक्राइबर, वो लेना है क्रीम और साबुन, तो अभी नीचे दिया है उन्हें। देखो हमारा हुर्रू का बच्चा नीचे आकर धूप में बैठ चुका, क्योंकि धूप पड़ लिया। और देखो आराम से अपना आपको चाट रहा है, जब तक क्लियर देख लिया। मेरे आवाज सुन रहा छोटे। मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ यार, बेचारी मम्मी पूरे दिन काम करती है, एक मिनट के लिए हेल्प नहीं कर सकते क्या है मम्मी? मुझे पता क्यों कर रहा है, इनके हाथ में से वीडियो बनाने के चक्कर में। अरे हाँ भाई हाँ यार। अरे मम्मी ये बात क्यों बता रही हो ब्लॉग में? सफाई करके दिखा दो ना, मैं अच्छा बन जाऊंगा। बता दो क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? मेरी मम्मी से कैसे शादी करवाऊंगी? अभी करवाऊँ तो मैंने अम्मी से अम्मी झाड़ू दिखाने लगा, थोड़ा सा एक हाथ मार देता हूँ। अम्मी ने पूरे घर की तो कर दी, एंड में वो बचा था कोना, मैं इनकी लाओ वो हिलाता हूँ। अरे यार आज अम्मी का दिमाग खराब हो रहा है, मुझे सुबह से इतना पहन लिया, कभी झाड़ू कभी चूड़ी तोड़ दी, कभी बाल तोड़ने वाले थी। जो तू यूं करा मैंने शादी करवा, शादी कराओगी नीच क्या? पहले ये कहना क्या चाह रहे हैं भैया, समझ गए वो अभी। चलो है चुप। और ये देखो साइकिल रखी थी, और ये पूरी की पूरी टूट चुकी है, इसका टायर दो कितना पीछे आ चुका। बच्चे भाई स्टंट कर रहे थे, राइडर बनने थे, और एकदम से गिरा ना वो राइडर ही बन गया। कम से कम 2 महीने हो चुके ऐसे खड़ी हुई है, उसके अंदर इतनी मट्टी जम चुकी है ना। देखो ये पास अभी से कोई साफ भी नहीं कर रहा, खराब है साइकिल ना भाई, दिन रात चला रहे तो दिन रात साफ कर रहे थे। आज करने वाला हूँ मैं रिहान को टकला। भाई साहब उनने तेरा हाथ कर रखा ना भाई, अपने जुल्फे यूं लहराता रहता है, यूं लहराता रहता है। कल तो आपने देखा भाई अपनी दाढ़ी बना रखा, पता नहीं कैसे इतनी मॉडलिंग झड़ रहा आजकल। इस टकला करने में भाई सिस्टर और अम्मी मेरी हेल्प करेंगे, रिहान को पकड़वाएंगे। सिस्टर के देखो यहाँ पर कपड़े सी रहे, सिस्टर की कैची खो चुकी थी, कल रात से ढूंढ रहे। सिस्टर के लिए मैंने हेयर रखी थी मशीन के ऊपर, मशीन के ऊपर से पता नहीं किसने चुरा चुर गई या कहीं रख के भूल गए। और जब नई हमारे कैची आ जाएगी ना, उसके बाद देख लेना, गारंटी है भाई यही मिल जाएगी। अभी रिहान लेने गया भाई, आने देते फिर कैची दिखाते हैं। कपड़े देखो ये सिस्टर ये किस चीज के लिए सीरियो वैसे है, ऐसी सीरियो डेली वेयर्स के लिए भाई। मर दिया भाई, सिस्टर का इरादा चल रहा है, मैं सिस्टर के लिए कपड़ा मंगाती है। हम गरीब हो गए तो बस एक जोड़ी मंगाती है, पूरी साल पहनाती है। ऐसा क्यों करती हूँ हमारे साथ? मेरे ऊपर कैमरा लगा दिया, मैं खाना ना बनाऊं? अरे खाना तुम बना ले, एक से तुम भी खाना इतनी देर बता दे। आई थिंक ये कीमा उसके अंदर मतलब क्या भर रहा है? ओह नाइस, ये तो बहुत दिनों बाद बना रही हो तुम। यहाँ लेडीज अच्छा चलो आज मैं भी देखता हूँ कैसे छोक रही हो। सरसों का तेल गरम कर लियो, इतना छोका। यही नहीं अभी और सुनिए, का बड़ा रिस्क होता है एकदम से, क्योंकि तेल गरम हो प्याज डाल दे तो पूरे के अंदर छीट जाते, 2 किलोमीटर दूर खड़ा होकर। जो हम कीमा छोक रहे हैं ना, ये है परांठों का कीमा। भाई परांठे बनाने हो तो कीमा के किसी को ऐसा छोक लेना भाई। अम्मी ने भी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और इसके अंदर अच्छे से डाल हुए, और अच्छी तरह से कीमा को वॉश कर लेना। अभी से चलाना है कच्चे कीमे में, झकाते तो इसलिए छोक से बनाने चाहिए परांठे। हल्दी डाल ली हो गया बाल्दी? इस तरह की शादी पे इतनी हल्दी उड़ानी अम्मी, तुम्हारे जितना भी ये डब्बा है ना पूरा भर लो, ऐसा खाली कर दो मेरे हाथों से। हल्दी पे ऐसा सीन करने वाला हो ना, वो देखने लायक सीन रहेगा। 1 किलो हल्दी ले आऊंगा, 1 किलो तो बहुत कम है, मुझे 5 किलो हल्दी चाहिए, क्योंकि सब जो भी आएगा ना। ओ लाल मिर्च ज्यादा डाल दी क्या? अच्छा तो गाइस अभी घर पर आने से सब्सक्राइबर क्रीम और वो वेट लूज पाउडर लेने के लिए, अभी 2 मिनट कैमरा बंद करता हूँ। देखो कैची लिया है, इतनी से लाया अपने हाइट के लाया, और के लिए लाया, बहुत ही मिनी कैची है, ले जा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। धार दे रहा हूँ कितनी खतरनाक लगवा रखी है। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा ना उसे मैं माशाल्लाह कीमे के अंदर देखो कितना अच्छा फ्लेवर आ चुका, और कलर भी बिल्कुल डार्क हो चुका है। थोड़ी देर अम्मी ने से ऐसी हो, जितना भी हमारा हरी मिर्च और हरा धनिया था ना सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अम्मी तुम तो मिर्च लगवाने वाली हो, कीमे के पराठे बड़े। तुम्हें चटपटी चाहिए जाना था, मैं चटपटी खिला दी। क्या हो गया भैया, क्या हुआ, दोरे फोरे लगने लगे क्या? एंड ये ज्यादा खुश हो चुकी है, इतनी ताकत लगाई थी एकदम चक्कर आ रहा है। नहीं ऐसे बात, मैं आराम आराम से शांति से बात कर रहा हूं, तेज बोलने में तो मैं ही सही रहता हूं ना। मैंने ली कीमे के पराठे बन चुके हैं ये, और बना रही है सिस्टर अपने हाथों से। सिस्टर बड़ी मेहनत कर रही है, ये लेती है इसके अंदर कीमा भरती है यहाँ से, और फिर ऐसे सेकती है, इस तरह से पूरा प्रोग्रेस है। यहाँ पर अंदर सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पर चल रहा है मेरा व्लॉग, खाना खाते हुए व्लॉग देख रहे हैं। रख दो रख दो रख दो, कटनी भी है 2 तरीके की, दही वाली और एक लाल वाली, जल्दी से खाते हैं खाना। वैसे यूं करा, रिहान को गंजा करूंगा और गंजा करूंगा। रिहान तो है नहीं, नीचे अपने अब्बू के साथ काम कर रहा है, अरमान सो रहा, तो आज तू और मैं मिलके इसे गंजा कर देते हैं तेरे शादी से पहले। आज क्या करें बता, गंजा कर दो। तू करेगी मतलब गंजा, मुझसे नहीं होएगा। कर दूंगी, मेरा नाम नहीं लगना चाहिए कि मैंने कराया। चल तेरा नाम नहीं आएगा, मगर इससे इसकी चिमली ऐसे चमकाते जो सरसों का तेल लगा लगा के तेरे शादी तले चमका है। ठीक है समझ गया, निकालोगे कैंची है तो कहीं नहीं मंगाई अभी नहीं।
तो हमने लिए ये वाली मशीन, हम सोच रहे हैं इस वाली मशीन से गंजा कर देते हैं। ये सुनना ले, बस हम इसलिए आराम आराम से बोल रहे हैं। प्लग लगा के इसे गंजा करने की तैयारी करते हैं। कई स्विच और ये, ओ माय गॉड, इसकी तो आवाज भी बहुत है, इसकी वाइब्रेंसी से ये उठ ना जाए। बिस्मिल्लाह, आराम से खोलना, आराम से, आराम से। कहाँ से काटूं? रुक जाओ। भाई पकड़ो तुम, तो पोपट करा देती उसका ना, यूं उड़ा रही है, देखना इतना भी नहीं काटना। वन टू थ्री स्टार्ट। क्या हुआ? कहीं नहीं कटी। ये मैं बाल काट दिए सारे। अरे कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल खाली रहते, तू उठ गया इतनी जल्दी। कितने बाल काटे मेरे, हमें दिखे भी नहीं थे। ओ मेरे सारे बाल काट दिए, बताया तुम्हें इसकी कीमत? अरे अभी तो बस स्टार्ट ही कर रहा था, मैं तो और काट रही थी। ओ पूरी टकी गंजा कर दिया मैं बीच में से। अम्मी ओ कितने कराए ये देखियो, बाल हल्के हो गए। मैंने कही सिस्टर से, मैंने कहा रिहान को गंजा करने के लिए कराया, सिस्टर ये सो रहा है, इसको भी गंजा कर दें आज। तो मेरे कर कितने प्लान करी सिस्टर? अम्मी ने ना गंजा कर लिया, तुमने गंजा कराया मुझे। गंजा करोगे? पिलक निकल गया, दो बार नसीब अच्छा है, तुम्हें गंजी कर देता मैं। तुमने मेरे साथ क्यों करा ऐसा? मुझे गंजा कर दिया। तुम्हें पता मुझे कितनी कीमती है मेरे बाल? अम्मी ये उठ गया, वरना तुम और ज्यादा काट देती। देखो बीच में पूरा गड्ढा कर दिया तेरे सारे बाल काटे हैं, देखो पूरी लट आ गई है, कितनी लंबी। तो तुम मेरे साथ, मैं उसके साथ कर रहा था गंजा रिहान को। रिहान को तू भी ले मजा गंजे चांद, तुम मजा मेरे साथ कर दिया। कोई सोए रहा, अब तू सोकर मत ना, ऊपर सोकर हम तेरे संग कुछ ना कुछ करता है। मैं देखना भाई ऐसा बदला लेना हुआ, नहीं मैं बोलूँ क्या पता इसका ना कुछ ताकत है, एकदम से मेरे बाल ने यूं खींच रहा। ये मशीन ना रिहान ने कुछ करा, आपने कर रहा ना बाल? हाँ बस इतने बार तेज मशीन। यार अम्मी तुम भी मेरे साथ करते हो ऐसे सीन, देख रहे गंजा कर दियो मुझे भाई, पोपट कर दिया इतना बुरा। हम तुझे गंजा करने वाले थे, अम्मी ने क्या करा मेरे बीच में से सारे बाल काट दिए, देख गड्ढा हो गया। देख ये कर रहा है ना, ये सोगा, हमने सही गंजा कर दिया यार, कैसा लगा तुझे? दिल गार्डन गार्डन हो रहा, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आज मैं ऐसा करने वाला था, पूरे इसके बाल ने सर के सारे उखाड़ देता था, देखना इसके जुल्फे कितने हैं, ऐसा बना क्वेश्चन मार्क के जैसे। हमारा हुर्रे का बच्चा भी आ चुका है, नीचे सो रहा था मोटा, खाना खा के नीचे भग गया था। हमारे क्रीम और साबुन डिलीवरी बॉय को देखा रहा, डिलीवरी बॉय अपने काम कर देगा यहाँ पर, उसे देने एड्रेस वेड्रेस हमने सब लिख रखा है। अम्मी सच में तुमने आज मेरे साथ अच्छा नहीं करा, ये वाली मशीन लेके मैं जिंदगी में यहाँ सोऊंगा नहीं। जो तो रिहान के संग कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, रिहान के साथ तो मैं क्या करता, साइड से मांग काट देता, फिर उसे गंजा होना पड़ता। तेरे तो दो लट काटिंग है, तो रिहान कर दे लट, पता है कितने इम्पोर्टेंट है दो लट। के शादी में मेरा लौंडा कितना बुरा लगता, गंजा लगता ना कितना अच्छा लगता, उसे हम 500 रुपए दे देता, वो वैसे ही खुश हो जाता। रुपए करना चाहता है ना, वो हमने तेरे ऊपर कर दिया, तुझे कैसा लगा? वैसे बुरा तो लगा, सच बात है अम्मी, तो हाँ। फिर ऐसे और अगर मैंने तुम पे कर दिया तो कैसा लगेगा? तुम सोचो तुम गंजी कैसी लगोगी। अम्मी ने मुझे गंजा कर दिया, बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। तुमने गंजा करा मुझे, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। चमली पे तेल मत लगाओ, देखना अगर मैं गंजा हो जाता तो सेम टू सेम ऐसे लगता है। मैंने फिल्टर लगा के दिखाया था वीडियो में कि मैं गंजा कैसा लगा, कितना ही बुरा लगता, कम से कम 2 साल में तो मेरे बाल आते हैं। पहले ऐसा कर ले, तुझे कुछ देना चाहती हूँ मैं, सिस्टर की शादी में तू गंजा हो जा, तुझे मैं दूंगी 50,000 रुपए। अभी रखो, चलो अभी हो रहा हूँ गंजा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ 10,000 रुपए। तुम आया गंजी? मैं तो हो जाऊंगी, स्कार्फ बांध लूंगी। चलो 10,000 रुपए, पैसे तो नहीं, पैसे तो तुमसे ही लूंगा वाले, फिर तो पोपट है ना। हाँ भाई कैसा लग रहा, गंजा हो गया भाई? रोज की रोज कुछ ना कुछ कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा है तुम्हारा भाई, गंजा ही कर देता है। तो ऊपर गंजा हुआ था उसमें, मैंने आज यहाँ पर गंजा, ओए वो बाल के साथ तेरे, जल्दी आदू नहीं, अपनी वीक उठा लेता है, उसके बाद वीक रख लेता है, तो इसलिए दोनों तरफ से चलता है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। और अभी हमें मुझे मार्केट लेकर जाना है सिस्टर, आज कपड़े सी रहे ना, अपने सूट इतना प्यारा बना रखा है ना, वो तो मैंने देख लिया है, आप लोगों को कल दिखाऊं, कल ये सब कहीं जा रहे हैं ना, तो इसलिए कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा सिस्टर पहनेंगे। मैं तो खैर आज ही दिखा देता हूं, मार्केट जा रहे हैं सिस्टर के लहंगे की कोटी लेने। अच्छा लहंगे की कोटी लेने, और थोड़ा बहुत सामान हो रहा है वो भी लाना, तो चलता हूं आज मैं भी, चलता हूं मम्मी के साथ थोड़ी सी मार्केट। आज बुलेट भी खड़ी है यहां पर, कल्लो भी खड़े हो, दोनों कितनी बढ़िया शाइनिंग मार रही है। अच्छा मैं घर में था ना, घर में तो इतना हीटर चल रहा, बिल्कुल गर्माहट हो रही थी, और बाहर आके पता लगा मुझे लग रहा है यहां पर बारिश हुई है या पानी से यहां पर पोल्यूशन के हमारे डाला था, इस वजह से गीला रोड है। पर जो ठंड पड़ रही है ना सच में, बहुत ही क्लासिक ठंड हो रही है, मजा आ रहा है बाहर घूमने में। पीछे की साइड से रोड बंद है तो पतली गलियों में से जा रहा हूँ, जितने बाइक वाले ना देखो सभी इधर ही ले आया, इतनी पास से आना था सामने से, पूरा वहाँ से राउंड इतने लंबे घूम के आए, आ चुके हैं फाइनली मार्केट में। चलो अब चलते हैं शॉपिंग करने, भीड़ तो नहीं हो रही है ना, बड़े दिनों बाद आया हूँ मार्केट में।
और कल लोगों को रोड पे खड़ी करनी पड़ी है क्योंकि पार्किंग तो ये है, यहाँ पर ये फुल पड़ी है। हम लेने आए थे वाली लटकन सिस्टर अपने सूट में लगा रही है और अम्मी देखने लगे यहाँ पर गले कैसे लगेंगे भाई, कट का लग जाए। अच्छा सूट के अंदर लग जाए, हाँ हमारे घर में टेलर रहेगा तो वो तो फिक्स कर ही देगा। अच्छा तुम किस में लगाओगे, इसमें यूज में आया? अच्छा जी, और देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। चलो करो तुम पसंद कोई सा। मम्मी ने एक और चीज देखी है, बूट है और ये कमीज पे लगाने को था, मतलब आस्तीनों पे लगाते हैं ना? नहीं, सैंडल की कमीज। अच्छा कहीं भी लगा लो, कितने बेहतरीन लगे, शाइनिंग देखो इनमें। ये डिजाइन में ये 300 रुपए के दो मिले, ये 180 रुपए का है, तो भाई काफी महंगा मिल रहे हैं। इसे पूरे सूट पे लगा लेना तो एक सूट के पैसे तो इसमें से आ जाएंगे। चलो यहाँ से फ्री हो चुके हैं, अब जा रहे हैं दूसरी साइड में। अब यहाँ से दोबारा से गाड़ी घुमाते हुए पल्ली साइड जाना होगा। अर्जी के हमारे पब्लिक ना कम आने लगी है मार्केट में दिन में, पर जब धूप निकलते हैं ना पब्लिक बहुत ही सारी लेडीज आती है दिन रात, पर इतनी भीड़ होती है ना पैर रखने की जगह नहीं। और अब देखो गाड़ी कितनी ईजी निकल रही है। मैं जितना मना करता हूँ ना याले मोजे मत पहनना, मैं इतनी मेरी बेस पे याले मोजे ले लेती हैं। अब दोबारा से गर्म मोजे ले ली, मुझे इतने बुरे लगते हैं और जब इनमें मट्टी लगती है पता है कितने बुरे रहते हैं, ऐसा रखता है हाथ ही ऐसा पैर। मम्मी ने हमारे सारा सामान ले लिया, सिर्फ एक सामान और लेना है, सिस्टर का कुछ सामान है और हमें ये लेनी है अपने लिए शकरकंदी। ढूंढनी है हमें बड़ी मंदी। शकरकंदी में देखो दो साइज है, ये पतली वाली और एक है बहुत ही बड़ी बड़ी, और ना कितनी बड़ी बड़ी शकरकंदी, इतनी बड़ी ने नॉर्मल वाली शकरकंदी ले ली। मम्मी कितने ले ली? हाँ बहुत बढ़िया काम करा, रात को उबाल के खाएंगे। सारा सामान ले लिया जो मम्मी, देखो ये रखा सामान इसके अंदर, वो भी सीक्रेट सामान है, वो आने वाले टाइम का सामान है। अब जल्दी से चलते हैं घर पर, और देखो वहाँ पर जो रास्ता बनता ना वहाँ पर लाइटें जल चुकी है, इतना प्यारा लग रहा है सामने का नजारा। अभी मैंने अम्मी को घर पे छोड़ दिया, मैं जल्दी से आ चुका हूँ बाइक से, और मेरे बाल देख रहे हो कितने बड़े इतने लंबे लंबे हो रहे हैं, तो अभी जा रहा हूँ मैं बाल कटवाने क्योंकि कल हम कहीं जा रहे हैं, वो आपको कल वाले ब्लॉग में बताया, जिसे पता है वो हमें कमेंट बता रहे हैं क्योंकि मैंने बताया भी था। तो चलते और बैटरी रिक्शा आया, देखो बैटरी रिक्शा आगे, बैटरी रिक्शा टोटली बैटरी रिक्शा, और इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। बैटरी रिक्शा वाले को पर एक गाना आना चाहिए, नो का नाम बैटरी रिक्शा सिस्टम, सिर्फ सिलमपुर जाफराबाद में मिलेगा, नो का सिस्टम हैंग कर रखा है इन्होंने बिल्कुल। ओए होए मेरी कटिंग हो चुकी है, कम से कम 1.5 घंटा लगा कटिंग करना, बट भाई ने कटिंग करी है ना दिल लगा कटिंग करी है, एक बार पूरी दिखा दो। ये पूरी कटिंग है तुम्हारी भाई की, कुछ ऐसी आ रही है लुक, लोंडिया देख के जाएंगे फोक सही पकड़े हैं, मुंह में धुआं देख रहा हूँ कैसा निकलता, बोलते हैं बिल्कुल स्विट्जरलैंड भरा पड़ा। चलिए भाई बाय बाय। भाई अभी कटिंग करा के आ चुका था, और यहाँ पर कुछ लोने से भाई लोग आ रहे हैं, और भाई सब बढ़िया ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? डेली देखते हो भाई, पूरी टीम आई है, बहुत बढ़िया लगा भाई मिलकर। चलिए और ये देखो सिस्टर ने माशाल्लाह से मेरी पूरी प्यारी के कपड़े बनाए, और कितने प्यारे लग रहे हैं, अभी से नींद आ रही है ना तो इसलिए मैं इसके कपड़े उघाड़ता नहीं हूँ, नहीं तो उठा के दिखाऊंगा। चलो बाबू बाद में दिखाऊंगा, तो चलो कर देते हैं ब्लॉग एंड। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना।